तो गाइस फाइनली मैंने अपना सारा सामान इसमें से निकाल लिया है, देख सकते हो तो माइक वगैरह जितना भी है यहाँ पीछे, और जो इसका इंश्योरेंस है और आरसी मैंने यहाँ पे रख दिया है, ये देखो इसका आरसी और इसका ये इंश्योरेंस मैंने इसमें रख दिया है। और भाई इसका जो की है ये भी आज रात भर है मेरे पास, फिर कल से नहीं रहेगी क्योंकि भाई ये गाड़ी अब पानी ख़त्म इसका, अब आज के बाद वीडियो में नहीं दिखेगी, फालतू घर में खड़ी हुई थी। नज़र आ रहा ब्लैक ब्लैक देख सकते हो, उसी को मैं अब चलाऊँगा। ये गाड़ी से अब हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा मेरे भाई, थोड़ा ख़राब तो लगता है बट सही है, फालतू का मेरे पास रहती है और यूज़ होता नहीं उतना, सच किसी के पास चली जाएगी तो यूज़ हो जाएगा। और प्लस मुझे भाई ये गाड़ी भी अब पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी जब ये गाड़ी आ गई है मेरे पास और जब जाएगी, 8 महीना हो चुका था गाड़ी के मेरे पास रहकर, गाड़ी चला हुआ भाई 7532 किलोमीटर, देख सकते हो भाई यहाँ पर एक जरा कोई भी गाड़ी में स्क्रैच वगैरह नहीं, पूरा एकदम वाइट गाड़ी है, एकदम पूरा वाइट, एकदम वाइट। इसका मैंने हाल फिलहाल में भाई रॉबिन पॉलिश भी करवाया था, इसमें एक जरा आपको कहीं से कोई दाग नहीं मिलेगा। गाड़ी हमारी खड़ी हुई स्कूटी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, अभी स्कूटी यहाँ पर लगी हुई है अकेले। यहाँ पे मैंने डिजायर क्यों सेल किया, सबसे पहला चीज़ यहाँ पे देखे तो ये जैसा रास्ता है, एक सेकंड पहले फोकस लेने दो कैमरा को, एक मिनट देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये जैसा रास्ता है ना भाई, यहाँ पे कभी कभी क्या है ना ईटा पत्थर बालू बहुत ज़्यादा ही गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ी सबका काम होता है और आपकी भाई की गाड़ी का भी यहीं पर काम हो रहा है देख सकते हो। तो मेरे भाई ऐसी कुछ मतलब रास्ता में हमारा आना जाना बहुत ज़्यादा था, अब इनको मालूम होगा जब मैं आदितपुर साइड जाता हूँ तब भाई उधर तो इतना इतना गड्ढा रहता है, एक हाथ हाथ गड्ढा, इस तरीके से गाड़ी घुसती है फिर इस तरीके से घुसती है, तो उसने भाई इतना सटता था ना भाई, मैं समझ गया भाई कि यह काम का गाड़ी नहीं है, हमारे लिए नहीं बनी है इस। तो फिर ये पहला चीज़ ये हो गया, उसका ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से मैंने उसको सेल किया है। यहाँ से हम निकल रहे हैं ठीक है, अभी यहाँ पे से निकलने के बाद ये देखो ये गाड़ी क्या है ना एकदम महीन तरीके से निकलती है, एकदम मतलब इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है तो इसके वजह से ये गाड़ी एकदम महीन तरीके से निकलती है। या देखो यहाँ पे डिजायर फिर से खड़ी हुई है, एक तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस देख लो आगे से कितना, मतलब इसका बम्पर जो है नीचे सटे रहता था, तो भाई साहब बम्पर में भी अलग नुकसान होता था। ये गाड़ी क्या देखो कितना महीन तरीके से निकल रही है, एकदम महीन, लेकिन वो क्या है ना भाई सट 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 आवाज़ आते रहता था उसमें, इतना सही पत्थर रहता था ना तो सोचना पड़ता था भाई कि गाड़ी को वहाँ से जाकर पत्थर हटाए उसके बाद गाड़ी लेकर के जाए तो दिक्कत हो जाएगा। एक बात याद रखना मेरे भाई कि वो गाड़ी सब है वो हर रास्ता में जाएगी, चाहे वो प्लेन रास्ता हो चाहे वो ऑफ रोड हो ठीक है मेरे भाई, इसीलिए गाड़ी ऐसा लेना चाहिए जो बाद में रुलाए ना, जिस तरीके से मुझे वो रुला करके गई है। अपनी गाड़ी है नीचे सटी तो भाई तकलीफ तो हो गई ना, थोड़ा सीट बेल्ट लगा लेते भाई टीटा करते रहे, तो यही पहला रीज़न वही था। दूसरा रीज़न है मेरे भाई, दूसरा चीज़ है मेरे भाई उसका जो है इतना अंधा मार्केट में हो चुकी थी ना, इतना अंधा हो चुकी थी कि भाई जहाँ आग बंद कर बोलो तुरंत डिज़ायर, इधर देखो उधर डिज़ायर, उधर देखो उधर डिज़ायर, मतलब कि अंधा गाड़ी हो चुका था। अबे ए पतक इसका, इसको भाई इग्नोर करो, ये मतलब कि लिया था किसी ने और इसे रख करके चला गया है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है भाई ऐसे फिर से। तो भाई यही कुछ बातें थी, और तीसरा अहम चीज़ ये था मेरे भाई कि मुझे वो गाड़ी पसंद नहीं थी, ये गाड़ी में जो धार है वो उस गाड़ी में नहीं था, उसके कारण मैंने फिर इसे परचेज किया, उसे हटा दिया। ऐसा नहीं कि मुझे ये गाड़ी पसंद है घर में, अच्छा इस गाड़ी को सब बोल रहा है भाई, ये गाड़ी घर में भी बहुत ज़्यादा सबको पसंद आया है। तो यही कुछ बातें थी भाई आज की इस वीडियो में, और इसीलिए गाड़ी को मैंने हटाया है भाई 8 लाख में, 8 लाख से थोड़ा कम ही है, 7 लाख 98 जब कुछ मैंने इस गाड़ी को सेल किया है जो कि मुझे अच्छा रेट मिल रहा था, और मेरी गाड़ी भी नई थी भाई तो मुझे उतना कोई इशू था नहीं, मैंने पूरा चेकअप करवा दिया था, गाड़ी ज़्यादा चली भी नहीं थी, 7000 किलोमीटर चली थी, तो मैंने गाड़ी को भाई हटा दिया डिज़ायर को और मैंने इसको रख लिया भाई। अब रखने का तो मैं दोनों रख सकता था लेकिन मैंने इसलिए नहीं रखा मेरे भाई क्योंकि मैं ज़्यादातर नोटिस कर रहा था जब से ये गाड़ी आई तब से वो गाड़ी एकदम चलना बंद हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने उसको फिर हटा दिया, वो गाड़ी भी खड़ी रहती बिना मतलब फिर बाद में वैल्यू गिरता, तो इसलिए मैंने उसको पहले ही हटा दिया जब मुझे अच्छा रेट मिल रहा था, अभी तो क्या करता था उसको गाड़ी रखकर। तो ये कुछ बातें थी भाई, यही रीज़न था डिज़ायर को हटाने का, और कोई मकसद नहीं था। चलिए आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट कर देना।